आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया झांसी ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी झांसी ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव दीपमाला कुशवाहा, पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ नेता मनोज गुप्ता, युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सनीधा यादव, नगर अध्यक्ष महिला सभा अंजलि दत्ता, नगर उपाध्यक्ष महिला सभा पूनम दिनकर, अमित शिवहरे, जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा के प्रदेश महासचिव पुष्पेंद्र सिंह यादव, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सुबोध कांता चौधरी, छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष शुभम यादव, प्रमोद यादव सिमारधा, प्रदेश सचिव युवा जन सभा पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें अतिथियों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष लगाने का आह्वान किया। महासचिव दीपमाला ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की बात पर बल दिया। अंजलि दत्ता के निवास पर यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। यूथ ब्रिगेड ने सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए अंजलि दत्ता के निवास पर सभा के रूप में परिवर्तित किए। कार्यक्रम सोशल मीडिया पर प्रमोटर एवं अखिल भारतीय पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार प्रहलाद गौतम का स्वागत किया गया। अंत में अंजलि दत्ता ने आए हुए सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। झांसी से प्रदीप की रिपोर्ट। दीदी, किस तरह से आज आप लोगों ने 15 अगस्त का जो है वो त्यौहार मनाया है? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, झांसी जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामना। आज हम सभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के ये तय करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं वो सरकारें कहीं ना कहीं हमें मानसिक और आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रही हैं। इसलिए हम सभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के अब ये लामबंदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं कि 2022 में जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में हम किस तरीके से ऐसी भूमिका बनाएं कि इस सरकार को पहले हटाने का काम करें, ताकि इस प्रदेश को इस सरकार से आज़ादी मिल सके और एक ऐसी सरकार बनाने का काम करें जिससे उनको आर्थिक आज़ादी मिल सके, बेरोजगारी खत्म हो सके, रोजगार की संभावनाएं बन सकें, किसानों को उनका हक मिल सके, महिलाओं को उनका सम्मान मिल सके। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसलिए सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर के मौके पर आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुए, किस तरह से आज का ये त्यौहार आप? आज 15 अगस्त का दिन है जी, 75वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में हम सब साथियों ने झंडारोहण का कार्य हमारी नगर अध्यक्ष श्रीमती अंजलि दत्ता जी के घर पर झंडारोहण का कार्य करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं और उस आधार पर हम लोग पार्टी संगठन का भी अपना विस्तार करने का भी प्रयास है। दूसरा, हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि इस जो गिरता हुआ ग्राफ है देश के प्रति या प्रदेश के प्रति या नगर के प्रति या मोहल्ले के प्रति, उसको लोगों में जागरूक करने के लिए एक एक गेट टुगेदर करने का एक मन था हम लोगों का। तो हमने कहा 15 अगस्त इससे अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता, उस आधार पर हम लोगों ने सब एकत्रित होकर पहले तो एक मैसेज ये दिया है कि हम सभी को एक एक जो भी यहाँ हमारे 200-300 लोग इकट्ठे हुए थे, सभी से कहा गया सबका पहली जिम्मेदारी है पर्यावरण को लेके। पर्यावरण में हम आपको एक काम करना है कि जितने भी लोग हैं आज से ही एक एक पौधा लगाने का काम करेंगे, जिससे जो तमाम बीमारियों से ग्रसित हुआ, तमाम बीमारियों द्वारा पर्यावरण में छेड़छाड़ हुई है, तो समस्याएँ पैदा हो रही हैं, उसको लेके हम लोगों ने 15 अगस्त का उत्सव मनाया है। उस उत्सव के आधार पर नौजवानों को जागृत किया है, नौजवानों में ऊर्जा भरने का प्रयास किया है और सब लोग अपने कार्य क्षेत्र से अपने जिले में जाके सभी लोग अपना कार्य करेंगे। ठीक।